तो हाय फ्रेंड्स, अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 12, राजस्थान कक्षा नंबर 8 की प्रश्नावली है, पांचवी वैदिक गणित। अब देखो दोस्तों, इन तीनों संख्या का गुणा हमें करना है सूत्र निकलम विधि के द्वारा। तो सूत्र निकलम विधि क्या होती है? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। इसका करने का तरीका क्या है? अब की बार हमारे पास तीन अंकों की संख्या है, ठीक है। यहां पर तो लिखते हैं संख्या और यहां पर लिखते हैं हम विचलन, ठीक है। और आपको ये तीन स्टेप ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आधार, आधार। अब देखो दोस्तों, आधार क्या होता है? दो अंकों की संख्या थी, जैसे मान लो 24, तब हम आधार लेते थे 10, क्योंकि दो अंक थे। अब की बार अंक कितने? इसमें तीन अंक है, तो आधार कितना लेंगे? 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100। उसके बाद है उपाधार, उपाधार। अब देखो दोस्तों, उपाधार, उपाधार देखो क्या है ये, जो सॉरी एक बार बाद में बताऊंगा मैं इसको, उपाधार। उसके बाद होता है उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक। अब देखो संख्या क्या दी गई हमें? 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103। ये संख्या दी गई है। ये जो 101, 102 और 103 है, किसके पास है? 100 के बहुत ज्यादा पास है ना, तो उपाधार हम कितने लेते हैं? यहां पर 100 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 100 में कितना जोड़ें कि 101 आ जाए, यानी कि एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? एक। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखना कि यहां पर सिर्फ आप एक नहीं रख सकते, आपको दो अंक लेने हैं, क्योंकि ये देखो जीरो कितने आते हैं 100 में? दो आते हैं। तो इसमें यहां पर उस वाले में तुम नहीं लेते थे जब 10 थे, मान लो दो अंकों की संख्या थी। अब की बार हमारे पास तीन अंकों की संख्या है, तो इसमें हमें इसके साथ जीरो भी लेना पड़ेगा अगर दो नहीं है यहाँ पर। अब देखो 102, यानी कि 100 उपाधार लिया ना, इसमें कितना जोड़ें कि 102 आ जाए, तो दो जोड़ने पर, लेकिन इसके आगे आपको जीरो लगाना है। फिर 103, तो यानी कि 100 में कितना जोड़ें? तीन जोड़ें, तो 103 आ जाए, तो इसके आगे आपको लगाना है जीरो। अब देखो दोस्तों, यहां पर खींचनी है आपको एक लाइन। अब इसमें जब क्या हो, आपके तीन तीन संख्याओं की गुणा हो, तो आपको दो बॉक्स बनाने, यानी कि दो भागों में आपको इसको बांटना है। अब देखो पिछले वाले में आपको क्या करना है कि इन तीनों का गुणा करना है। एक दो, एक को दो से गुणा करोगे दो, दो को तीन से गुणा करोगे छह। मैंने अभी कहा कि दो अंक बनाने, दो अंक बनाने के लिए ये शून्य इसके आगे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब देखो बीच वाले में हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ गुणा करना है, यानी कि इन दोनों का बीच वाले में आपको ध्यान रखना है, इसको और इसको गुणा करना है, फिर इसको और इसको गुणा करना है, फिर इनको और इनको गुणा करना है, यानी कि एक को दो से गुणा करना है, तो एक गुणा दो, फिर ब्रिकेट, फिर प्लस लगाना है, फिर दो को गुणा करना है तीन से, तो दो गुणा तीन, फिर प्लस, फिर करना है आपको एक को तीन से, तो एक गुणा तीन कर दिया। अब इस पूरे को किससे गुणा करना है? उपाधार अंक से। अब उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक याद करने का सूत्र होता है उपाधार बटा आधार, ये इसका सूत्र होता है उपाधार अंक याद करने का। तो देखो दोस्तों, उपाधार, उपाधार कितना है? 100 है। और नीचे वाला आधार, आधार कितना है? 100। तो 100 में 100 का भाग देंगे तो उपाधार अंक क्या आएगा? एक। अब हमें करना है इसको उपाधार अंक से गुणा, यानी कि एक से गुणा। अब इसमें क्या करना है? इसमें लेना है आपको एक, एक संख्या लेनी है इन तीनों में से, एक ले लो कोई सा भी। जैसे मैंने ले लिया 101, 101 ले लिया। अब 101 में आपको 101 के सामने वाले को छोड़ना है, इसके सामने वाले को छोड़ना है, और जो दो बचते हैं, दो और तीन, जो दो अंक बचते हैं ना, दो और तीन, इनको इसके साथ जोड़ देना है, यानी कि दो प्लस तीन। अगर आप 102 ले रहे हो तो 102 के सामने वाले को छोड़ना है, और ये जो दो बचते हैं इनको जोड़ना है। तो मैं सिंपल वे में ऊपर वाला ले लेता हूं, एक संख्या ले लिया। अब इसको क्या करना है कि आपको ये जो उपाधार अंक है ना, उसके सुकायर से गुणा करना है, यही इसके स्टेप होते हैं। स्टेप पूरे हो गए, इतने सारे वीडियो मैंने दे दिए, अगर आपने पूरा सीखा है तो। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक को दो से गुणा करोगे तो दो, फिर प्लस, दो को तीन से गुणा करोगे तो छह, फिर प्लस, एक को तीन से गुणा करोगे तो तीन, और एक से गुणा करो कोई मतलब तो है नहीं। देखो दो और छह कितने हो गए? दो और छह हो गए आपके 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। इसमें तो दो अंक है। अब देखो इसमें, इसमें भी दो अंक है, 0 और 6। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, 101 तो है ही हमारा, और दो और तीन कितने हो गए? 5। तो बताओ कितना हो जाएगा? 106। एक का स्क्वायर करके गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, तो
तो अंततः इसका गुणनफल कैसे होगा? गुणन है फल। अब आपको दो अंक वालों में तो क्या करते थे हम, इसको इसके साथ भेज देते थे, लेकिन तीन अंकों में नहीं होगा। तीन अंकों में क्या करना पड़ेगा आपको, दो अंक तो जैसे के जैसे वापस उतारने, और ये 11 का वापस वैसा वैसा उतारना है, और 106 को वापस वैसा का वैसा उतारना है। तो ये आपके आ जाएंगे आंसर। यानी कि यहां पर अगर 106 होते ना तो इस एक को आगे भेज देते, लेकिन तीन अंकों वालों में दो अंकों के जोड़े को रखना है, दो दो को साथ साथ में रख के करना है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं उदाहरण नंबर 13 के अंदर।